फोटोज ले रहे हैं। इस मौके की नजाकत को देखकर मैं इस मौके को छोड़ूंगी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ सर से कि हमारे इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इवन फिटनेस सर, तो फिटनेस इज नो एज लिमिट, राइट? तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी को, सिंस यू आर मिस्टर वर्ल्ड एंड यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी ऑफ अस, क्या एड्रेस करना चाहेंगे आप हमारी ब्यूटीफुल सी ऑडियंस को? सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज इस अवार्ड से नवाजा गया। एक शेर से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमको अच्छा हुस्न और बॉडी दी है, तो इसको हमको संभाल के रखना चाहिए। हम अपनी बॉडी के ऊपर वक्त नहीं देते। आप तमाम लोगों ने देखा पैंडेमिक में हमारा जो हाल हुआ, जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे थे, जो लोग फिटनेस मेंटेन नहीं कर रहे थे, जो लोग डाइट मेंटेन नहीं कर रहे थे, उनको क्या हुआ, ये पॉजिटिव आया। पैंडेमिक में जो मर्ज आया था वो क्या हुआ, पॉजिटिव आया। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम जो था वीक था, इसकी वजह से उनको पॉजिटिव आया, इसी वजह से उनको वो बीमारी पकड़ी। तो मैं तमाम लोगों से, जितने लोग यहाँ पर हैं, मेरे यंगस्टर्स भाई यहाँ पर हैं, हमारी बहनें हैं, और हमारे जो भी यहाँ पर लीडर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं तमाम लोगों से ये बात कहना चाहूँगा, अपने आप को हम पैसा कमाने के लिए या कोई चीज़ अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते अपने फिटनेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत नहीं करते। हम लोग अपनी बॉडी को आधा घंटा नहीं देते। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप ये बात गौर कीजिए, और यहाँ से भारत के अनमोल से आप ये अनमोल बातें लेके जाइए। क्यों? क्योंकि हम तमाम लोगों के लिए अनमोल बात इसलिए है, अगर कोई अपनी बॉडी को आधा घंटा नहीं देता तो समझिए कि वो बीमारियों को दावत दे रहा है। जो अपनी बॉडी को आधा घंटा नहीं देता वो बीमारियों को दावत दे रहा है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, आधा घंटा दीजिए, चहलकदमी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिम जाइए, बैडमिंटन खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, तमाम इतने स्पोर्ट्स है, और हमारे पास माशाल्लाह इंडिया में इतनी बड़ी जगह है। अगर जिम नहीं जा सकते तो रोड पे निकल जाइए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, लेकिन अपने फिटनेस का जरूर ख्याल रखिए। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज मैं यहाँ पर जो ठहरा हुआ हूँ, मैं 30 साल अपनी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड 30 ईयर्स इन बॉडी बिल्डिंग फ्रॉम 1993 टू 2023। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और मैं हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे रेलवे ने, हमारे इंडियन रेलवे ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं 1997 नवंबर में रेलवे ज्वाइन किया। मुझे वहाँ पर एज ए स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स कोटे में मुझे जॉब दिया गया, और 1997 से लेके आज तक मैं वहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। मैं अपने रेलवे के लिए 25 इयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, और जब मैं 2008 में जब मिस्टर वर्ल्ड का मेडल मैं हासिल किया, मैं यहाँ पर आया, तो हमारे पास यहाँ के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव साहब ने मुझे फेलिसिटेट किया था।